महाजन, अपना परिचय कुछ इस तरह देती हूँ कि दर्द अपने संभाल रखे हैं, दर्द अपने संभाल रखे हैं, जिंदगी में बवाल रखे हैं और तीरगी दिख रही है राहों में, पर इरादे कमाल रखे हैं। शब्द पर इरादे कमाल रखे हैं। और एक गजल आप सबके सामने रखती हूँ कि ये किसके नाम को इतना पुकारा जा रहा है, ये किसके नाम को इतना पुकारा जा रहा है, किसी तस्वीर को हर पल निहारा जा रहा है, किसी तस्वीर को हर पल निहारा जा रहा है। और चुराकर आँख सबसे जिस तरह तुम देखते हो, चुराकर आँख सबसे जिस तरह तुम देखते हो, मेरे महबूब होने का इशारा जा रहा है, मेरे महबूब होने का इशारा जा रहा है। और बुलंदी हौसलों की कौन रोकेगा यहाँ पर, शबनम जी आपके लिए, कि बुलंदी हौसलों की कौन रोकेगा यहाँ पर, किसी सहरा को दरिया में उतारा जा रहा है, किसी सहरा को दरिया में उतारा जा रहा है। और वो आँखों की चमक हंसते हुए बतला रही है, ये वो आँखों की चमक हंसते हुए बतला रही है कि उनमें एक मोहब्बत का शिकारा जा रहा है, कि उनमें एक मोहब्बत का शिकारा जा रहा है। और नहीं आसान जिस नहीं एहसास जिसको आम लोगों का ज़रा भी, नहीं एहसास जिसको आम लोगों का ज़रा भी, उसी के दर्द पे हाथों को पसारा जा रहा है, उसी के दर्द पे हाथों को पसारा जा रहा है। और सुना है नींद की आगोश में जाने से पहले, सुना है नींद की आगोश में जाने से पहले, मेरी तस्वीर से तकिया सवारा जा रहा है, मेरी तस्वीर से तकिया सवारा जा रहा है। और गौर फरमाइएगा इसमें कि शिकारी को ज़रूरत ही नहीं इस जाल की अब, शिकारी को ज़रूरत ही नहीं इस जाल की अब, परिंदों को दरख्तों पर ही मारा जा रहा है, परिंदों को दरख्तों पर ही मारा जा रहा है। और मोहब्बत में सुनो ये इस कदर दीवानगी क्यों, मोहब्बत में सुनो ये इस कदर दीवानगी क्यों, किसी के हिज्र को अब तक गुजारा जा रहा है, किसी के हिज्र को अब तक गुजारा जा रहा है। और मनी ये डोर रिश्ते की बहुत कच्ची थी शायद, मनी ये डोर रिश्ते की बहुत कच्ची थी शायद, तुम्हें वो छोड़कर तन्हा दोबारा जा रहा है, तुम्हें वो छोड़कर तन्हा दोबारा जा रहा है। और एक गीत मदर्स डे आने वाला, और हर माँ अपने बच्चे को कैसा मनाना चाहती है, जो उस पर बीती है वो दूसरे उस पर बीतना नहीं देना चाहती है, तो वही एक गीत मेरा प्रतिनिधि गीतर। मैंने जीवन में जो खोया तुमको वो ना खोने दूंगी, मैंने जीवन में जो खोया तुमको वो ना खोने दूंगी, वादा है तुमसे ये बिटिया तुमको मैं ना रोने दूंगी, वादा है तुमसे ये बिटिया तुमको मैं ना रोने दूंगी, पल पल मानी गवाया मैंने, पल पल मैंने यशु पिए हैं, पल पल मानी गवाया मैंने, पल पल मैंने यशु पिए हैं। मेरी पीड़ा में बस मैं थी, मेरी पीड़ा में बस मैं थी, ऐसे जीवन ढोया मैंने तुमको बोना।
बचपन की प्यारी बगिया में कांटे मैं ना बोने दूंगी, वादा है तुमसे ये बिटिया तुमको मैं ना रोने दूंगी, वादा है तुमसे ये बिटिया तुमको मैं ना रोने दूंगी। अब चाहती क्या है अंत में कि क्षमता का भंडार बना दो, मैं तुमको हथियारी बना दूं, क्षमता का भंडारी बना दो, मैं तुमको हथियारी बना दूं, छू ना सके कोई कपटी मन, छू ना सके कोई कपटी मन, मैं तुमको तलवार बना, मैं तुमको तलवार बना दूं, तुमको बलि खिलाए कोई ऐसा मैं ना होने दूंगी, तुमको बलि खिलाए कोई ऐसा मैं ना होने दूंगी, वादा है तुमसे ये बिटिया तुमको मैं ना रोने दूंगी, वादा है तुमसे ये बिटिया तुमको मैं ना रोने दूंगी, वादा है तुमसे ये बिटिया तुमको मैं ना रोने दूंगी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी, आपने बड़ा समा बांध के रखा हुआ था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जावेद तारूकी साहब से वो आए उसके, और उसके बाद ये रिक्वेस्ट है कि उसके बाद लंच स्टार्ट होगा, लंच के बाद नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम है वो चलेगा। तो मैं मिल के मुझ में ये एहसास जागा कि पागल था मैं जो मोहब्बत से पागल, शबनम भाजी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। और तमाम दिल्ली से बाहर आए हुए जो मेहमान हैं, वो राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, केरला से हैं, हरियाणा से हैं, मैं उन सब का भी खैर मकदम करता हूँ इस मंच से। और मेरे आने का बड़ा दिलचस्प किस्सा है। सलीम भाई मेरे फेसबुक पे हैं, मैंने इनका देखा कि मैंने कहा सलीम भाई आपका प्रोग्राम कब का है, तो सलीम भाई ने मुझसे कहा कि कल का है, आप अपनी एक फ़ोटो भेज दीजिए। और मैंने सलीम भाई को वादा किया कि भाई कुछ भी हो आपके प्रोग्राम में तो पक्का आएंगे, 10 मिनट के लिए क्यों ना आना पड़े। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मंच पे बुलाने का मौका दिया सलीम भाई ने, और मैं नहीं जानता था लेकिन जान जाऊँगा, आज से मेरी पहचान बढ़ जाएगी। लेकिन हमारी बहन जो हैं इनको तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, और बहुत साल बाद में मिला हूँ, पहले बहुत एक्टिव थी, अभी दिखती नहीं है, फिर दिखेगी पता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। और इनके फादर से मैं मिला था, बहुत प्यार बहुत आशीर्वाद मुझे मिला था। प्रेमी शब्दों के साथ आप सबका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि अपने अपने फील्ड में आप लोगों ने अच्छा काम किया। खासकर ये अंडी जी आई हैं, मैं इनको तो बहुत ज़्यादा इनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, और इनका मैं खैर मकदम करता हूँ। और जय हिंद। समय काफ़ी हो गया, लंच का टाइम हो गया है, तो प्लीज़ पहले लंच कर लें उसके बाद फिर आई प्लीज़।